हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको टॉप 10 सेलिंग टू व्हीलर्स और टॉप 10 सेलिंग बाइक्स के बारे में बताया, जो कि अक्टूबर 2020 का सेल्स फिगर था, लेकिन इस वीडियो में टॉप 10 सेलिंग स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो 10 स्कूटर कौन से हैं जो कि अक्टूबर 2020 में सबसे ज्यादा बेची गई हैं। अगर आप बाइक्स के सेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में 10th नंबर पर यामा फसिनो है। इस स्कूटर के टोटल अक्टूबर 2020 में 13,360 यानी कि 13,360 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस स्कूटर की बिक्री में पिछले साल अक्टूबर 2019 के मुकाबले इस साल अक्टूबर 2020 में 9% स्कूटर की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 9th नंबर पर यामा रे है। इस स्कूटर का अक्टूबर 2020 में 15,748 यानी कि 15,748 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस स्कूटर की बिक्री में पिछले साल अक्टूबर 2019 के मुकाबले 84% तक बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 8th नंबर पर हीरो मेस्ट्रो है। इस स्कूटर के टोटल 23,240 यानी कि 23,240 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस स्कूटर की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर 2019 के इस साल अक्टूबर 2020 में 97% ज्यादा स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस लिस्ट में 7th नंबर पर हीरो प्लीजर है। इस स्कूटर के टोटल 23,392 यानी कि 23,392 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इसके भी बिक्री में 43% की वृद्धि हुई है। इस लिस्ट में 6th नंबर पर हीरो डेस्टिनी है। इसकी टोटल अक्टूबर 2020 में 26,714 यानी कि 26,714 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। और डेस्टिनी की स्कूटर पिछले साल अक्टूबर 2019 के मुकाबले इस साल अक्टूबर 2020 में काफी ज्यादा मात्रा में स्कूटर की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 157% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। इस लिस्ट में 5th नंबर पर टीवीएस एंटॉर्क है। इस स्कूटर की टोटल 31,524 यानी कि 31,524 स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इस स्कूटर की बिक्री में भी 32% की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 4th नंबर पर होंडा डीयू है, जिसका टोटल अक्टूबर 2020 में 44,046 यानी कि 44,046 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इसके भी बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर सुजुकी एक्सेस है। अक्टूबर 2020 में टोटल 52,441 यानी कि 52,441 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इसके बिक्री में थोड़ी सी कमी देखी गई है, लगभग 2% की कमी इसके बिक्री में इस साल 2020 अक्टूबर में हुई है। इस लिस्ट में 2nd नंबर पर टीवीएस जुपिटर है, जिसकी अक्टूबर 2020 में 74,159 यानी कि 74,159 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। इसके बिक्री में भी 1% की कमी हुई है। इस लिस्ट में 1st नंबर पे होंडा एक्टिवा है और ये स्कूटर हर महीने सबसे पहले नंबर पे होती है। इस स्कूटर के अक्टूबर 2020 में 239,570 यानी कि 239,570 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। हालांकि इस स्कूटर की बिक्री में भी पिछले साल अक्टूबर 2019 के मुकाबले इस साल अक्टूबर 2020 में 15% की कमी देखी गई है। उसके बावजूद भी इतने ज्यादा यूनिट्स एक्टिवा की इस साल भी बिक्री हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं होंडा एक्टिवा के आसपास कोई भी स्कूटर्स आपको सेल्स के मामले में नहीं दिख रहा है। इंडियन मार्केट में टीवीएस जुपिटर और एक्टिवा की टक्कर हमेशा से रहती है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं टीवीएस जुपिटर के मुकाबले एक्टिवा की सेलिंग यूनिट कितने ज्यादा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको 10 स्कूटर्स के नाम बता दिए हैं जो कि अक्टूबर 2020 में सबसे ज्यादा बेची गई हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन से स्कूटर्स को यूज करते हैं या फिर कौन सा खरीदने वाले हैं या फिर कौन सा आपको पसंद आया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।